आज के ब्लॉग में आपको हम बताएंगे कि गोवा के क्या हाल हैं। इट्स रेड अलर्ट इन गोवा। बारिश में गोवा के हाल क्या हैं, नॉर्थ गोवा में क्या जगहें खुली हैं, क्या बीचेस खुले हैं, क्या शॉपिंग प्लेसेस खुली हैं। सो ऑल दैट इन्फो इन टुडेज व्लॉग, देखते रहिए एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। ये लेन भी बहुत ही प्यारी और मोस्टली खाली रहती है। और आपको क्या लगता है, लोगों को अभी आना चाहिए गोवा? रेड अलर्ट चल रहा है, तो चलिए आपको ले चलते हैं आज मेरे चाचा के साथ बाहर और दिखाते हैं गोवा का क्या हाल है और क्या आपको आना चाहिए और क्या खुला है क्या बंद है। हाँ सैंडी, तो छाता आप पकड़ लीजिए, चलते हैं, लेट्स गो। श्योर, ये लीजिए, चलिए आप। ऑलराइट, ऑलमोस्ट क्रेजी हो रही, तो बारिश अभी भी शुरू है तो छाता खोल के कार पर जाना पड़ेगा। तो सैंडी जा रही है छाते के साथ। ओप्स, मैं भी छाते में आ जाता हूँ। एक्चुअली हैवी, मुझे लगा वो छोटी सी ड्रिजल हो रहा है, बट ओ देखो मेरे कार के टायर के नीचे क्या पड़ा है। नारियल है या पत्ता है? आप बंद कर लो। तो देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अगर आप गोवा में आने का प्लान कर रहे हैं, दिस इज़ द सिनेरियो। रात को भी नॉन स्टॉप रेन्स थी, अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश है, तो देखते हैं अभी क्या क्या खुला है, लेट्स गो। मैं अपने ड्राइवर सीट तक पहुंचूंगा तब तक पूरा गीला हो जाऊंगा। काफ़ी गीला हो गया। यहाँ से वहाँ आने में बस, बट थोड़ी देर बंद हुई थी, लेकिन रात से बहुत ही बारिश तो चली रही है। सुबह से थोड़ी सी ड्रिजल हो रही थी, लेकिन नाउ इट्स सडनली रेनिंग लाइक क्रेजी अगेन। तो आज आपको लेके जाते हैं, दिखाते हैं गोवा में, नॉर्थ गोवा में क्या खुला है। आप अगर अभी आने का प्लान कर रहे हैं, वेयर कैन यू गो, व्हाट प्लेसेस आर ओपन एंड व्हाट्स द सीन लाइक इन गोवा एट दिस पॉइंट। सो अभी हम निकले हैं सियोलिम से, सियोलिम से हम जाएंगे वागातोर की तरफ, वागातोर से अंजुना और अंजुना से कैलनगुड की तरफ, और आपको दिखाएंगे सारी जगहों के क्या हाल हैं। देखिए द ब्यूटीफुल सियोलिम चर्च। सो इट्स अ क्वाइट क्वाइट डे, हार्डली एनी ट्रैफिक, बहुत कम लोग आपको दिखेंगे आज। रेड अलर्ट पे है गोवा, इट्स बीन रेनिंग नॉन स्टॉप लाइक क्रेजी। तो करण, आप क्यों निकले हैं इतनी बारिश में घूमने, अगर कोई नहीं निकलेगा इस बारिश में घूमने तो? तो अभी बजे हैं दोपहर के 2:30 और अभी अभी एक ब्रॉडकास्ट मैसेज आया है कि गोवा अगले 24 आवर्स तक हाई अलर्ट पर है, जिसमें लिखा है कि अगले 24 घंटे तक बहुत ही हैवी रेनफॉल्स होने वाले हैं यहाँ पे। वो तो हमको दिख ही रहा है, बस बताने की क्या जरूरत है। तो खैर अभी हम निकले हैं, दो तीन कॉफ़ी शॉप जहाँ पे खुली रहती हैं तो बंद है। तो हम पहुँच गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में बताया था, यहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा है। देखते हैं इस कार के हाल क्या होते हैं। खड्डा फिल तो किया था इन्होंने, लेकिन कोई ज़्यादा मुझे फ़र्क दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर बहुत ही स्लो रखूँगा। नहीं, मिट्टी तो भरी है इन्होंने, लेकिन वो काफ़ी दिन तक चलने नहीं वाली, बट इट्स मच बेटर। पहले तो इतना बड़ा खड्डा था, इतना बड़ा खड्डा था कि कार अंदर बैठ ही जाती थी, सो नॉट बैड। चलो ये काम तो अच्छा किया है। इट मुड़ेंगे, जाएंगे वागातोर की तरफ, और फिर पहले दिखाते हैं आपको वागातोर में। देखिए माकाजाई, ये माकाजाई है ना, माकाजाई। तो ये तो खुला हुआ है। सो रेस्टोरेंट्स तो जो भी हैं पॉपुलर, जो भी अच्छी हैं और जो हमेशा हमको दिखती हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, वो तो खुली हुई दिख रही हैं अभी तक। तो रेस्टोरेंट्स आर नॉट शट, एंड आई डोंट थिंक रेस्टोरेंट्स या फिर नो द प्लेसेस टू पार्टी, वो सारी चीज़ें बंद है। बीच भी सारे आई थिंक खुले हुए हैं, वो भी हम जाके चेक कर लेंगे। लेकिन जो वाटरफॉल्स हैं, अगर आप वाटरफॉल्स जाना चाहते हैं, वो सारे बंद हैं एक हफ्ते के लिए। तो एक हफ्ते तक आप अभी अगर आएँ तो वाटरफॉल्स पर नहीं जा पाएंगे। तो सामने वाले भैया हमको थम्स अप करके गए, जो भी आप थे थैंक यू। और हम अभी जा रहे हैं वागातोर की तरफ। दिस इज़ द फेमस वागातोर पेट्रोल पम्प। साई कैफे तो खुला है। सो आप देख रहे हैं शॉप सारी जो हैं वो खुली हैं, शॉप्स आर नॉट शट। सो इट्स नॉट दैट यू नो थिंग्स आर शट शट, बट बारिश इट्स ऑन गोइंग, ये चलती जा रही है बारिश, इट्स नॉट स्टॉपिंग, इट्स लाइक ड्रिजलिंग टुडे। कल का जो हाल था उससे तो आज बहुत अच्छा है। तो वूस कैफे, अर्थ कैफे, ये दोनों तो बंद हैं। खैर आई थिंक ये तो मोस्टली दोपहर को बंद ही रहते हैं। शॉपिंग इज़ ऑन एंड प्रॉब्लम यू नो, कल जितनी बारिश थी, घमासान बारिश थी, आज वैसा हाल नहीं है। आज इट्स ड्रिजलिंग एंड ओकेजनल शावर्स हियर एंड देयर, बट ये है द पॉपुलर JW Marriott होटल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे यू नो मार्केट्स आर ऑल ओपन, रेस्टोरेंट्स भी हैं जो सारे,
खुले हुए हैं। सो आप देखिए मैंगो भी यहाँ पे खुला हुआ है, भीड़ कम है, विच इज पॉजिटिव। अगर आपको भीड़ पसंद नहीं और आके यहाँ पे खाना चाहते हैं, दैट्स अ गुड साइन। बट मैंगो इज ओपन एंड एवरी रेस्टोरेंट हियर इज ओपन, जॉस खुला हुआ है। There are a lot of restaurants here towards the beach. So, the Grand Lenny's, Leone, Soma's, Samus. फिर ये कौन सा है? Vida Bella. They're all open and they're waiting for you. So ऐसे time पे अगर आपको service बहुत अच्छी चाहिए, you want the entire place by yourself and you want to have that private experience of ऐसा लगे कि आपको ये सारी जगह आज मैंने ही book कर ली है, बहुत मैं date पे आया हूँ। So this could be a good time to come. जगहें वैसे खुली हैं, कोई बंद तो नहीं दिख रहा है। इट्स एक्चुअली अ गुड टाइम टू गो टू द बीच। तो मैं इसको कार को पार्क कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ बीच के क्या हाल है यहाँ पे। ये है बीच का हाल फिलहाल, दैट्स वाई यू पार्क योर कार्स एंड दैट्स द एंट्री टूवर्ड्स द बीच। लेट मी क्विकली शो यू कि अगर आप जा सकते हैं, वैसे बीच तो खुला है, आज भी हाई टाइड है तो पानी यहाँ बहुत आगे तक है। सो इफ़ यू सी, दिस इज़ द एंट्री टूवर्ड्स द बीच और जैसे आप देख सकते हैं पानी बहुत आगे तक है आज भी। एंड दिस इज Another entry, यहाँ पे पानी इतना आगे, but and here is the restaurant, आप यहाँ पे restaurant में जा सकते हैं। But if you see, it's high tide और पानी इतना आगे तक है। So that's what Wagatour Beach looks like. You can still come here, it's open. आप यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, the restaurant is open, but हाई टाइड है। थैंकफुली अभी बारिश थोड़ी सी बंद की तरह ही है, बहुत धीमी है, तो मुझे छाता बाता लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाउ आई एम हेडिंग बैक टू द कार। सैंडी ने बोला तुम जाके आओ। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि यार मैं कार लॉक करके तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लेके आऊं। बढ़ गई ना एकदम से, इसलिए मैं फटाफट भाग के आ गया। तो मैंने कहा यार जाऊं, मैं ऑलमोस्ट रेडी थी। तो जैसे आपने देखा वागातोर बीच तो खुला हुआ है और रेस्टोरेंट भी ओपन है, बस हाई टाइड है। सो रेनकोट बेनकोट पहन के छाता वाता लेके आ सकते हैं इफ यू वांट टू नो एंजॉय द वाटर रियली क्लोज। वागातोर बीच तो आपने देख लिया, चलिए आपको ले चलते हैं अंजुना। अंजुना में क्या हाल है? दैट्स अ वेरी नाइस प्लेस हियर। वो जगह कौन सी है सैंडी, हम गए थे वो By Hemant Oberoi, Amuz by Hemant Oberoi. So that's a nice place where you can come in for dinner. शाम को आप यहाँ पे आ सकते हैं। A very nice quiet place. जो भी आगे आएगी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए हमारे right में जो है, this is where you have Amuz, the restaurant. जो right में आप देख सकते हैं there. So this is the restaurant. This is the place. And it's a nice place. खाना अच्छा मिलता है यहाँ पे, सो दैट्स वन प्लेस दैट्स ओपन ऑफ कोर्स। यहाँ पे क्या क्या खुला है? बैस्किन रॉबिन्स इज़ ओपन, बेल्जियन वॉफल इज़ ओपन, यू हैव गोसू कैफे जहाँ पे हम काफ़ी बारी जाते हैं, दैट्स ओपन टू। सो नथिंग इज टेक्निकली शट, सारी जगहें खुली हैं। सो यू कैन स्टिल कम हियर टू अंजुना, हैव अ गुड टाइम। अभी आपको लेके चलते हैं बीच की तरफ, दिखाते हैं अंजुना बीच के क्या हाल हैं। और यहाँ पे आ गया मुंबई का पॉपुलर आइसक्रीम Joint Naturals. अंजुना में देख सकते हैं द शॉपिंग मार्केट इज ओपन, द रेस्टोरेंट्स आर ओपन हियर। ये कौन सा बर्गर फैक्ट्री, यस बर्गर फैक्ट्री जो कि बहुत ही पॉपुलर है, दैट्स ओपन टू। पीछे था अर्जुना जो कि खुला था और पार्किंग तो फुल थी, मतलब भरा हुआ ही था। दिस इज एल्बर्ट्स प्लेस जो कि लग रहा है अभी खुला है एंड इट्स फुल। थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई है। और ये कौन सा है? हेरिटेज, JW हेरिटेज। काफ़ी JW मैरियट की तरह साउंड करता है हेरिटेज। जुना बीच जाते हैं, दिखाते हैं आपको और फिर वी ग्रैब कॉफ़ी समवेयर। यार मौसम बड़ा प्यारा है इसमें ना, मैं अभी सॉन्ग्स लगा नहीं सकता वरना कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगा, बट ऐसे मौसम में पुट ऑन योर फेवरेट म्यूज़िक, आपके फेवरेट गाने प्ले करके टू ड्राइव अराउंड, इट्स जस्ट अमेजिंग, नथिंग कैन बीट दैट। हम काफ़ी देर से बीच बीच में यही कर रहे हैं, जब हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं प्ले आवर फेवरेट सॉन्ग। मैन इट्स अमेजिंग, द वेदर, द रोड्स एंड ग्रेट म्यूजिक, नथिंग कैन बीट दैट। सीधा बीच तक चलते हैं फिर मैं फटाफट अंदर जाके दिखा देता हूँ। सैंडी आप चलेंगे या फिर मैं अंदर जाके दिखा के आ जाऊँ? सोच के बताती हूँ। सोच के बताइए। सारा का सारा मार्केट पूरा खुला हुआ है। अरे अपने दोस्त
और क्या हाल है? बढ़िया सब? हाँ तो आ रहे हैं बस, टर्न मार के चलो। तो हमने इनके यहाँ पार्क किया था लास्ट टाइम, एकदम आपके सामने जो दिख रहा है दैट्स वेयर द बीच इज। तो ये बीच की एंट्री है। मैं अभी कार ना एक सेकंड यहाँ पे लगाता हूँ ये जो है, और मैं आपको फटाफट अंदर से दिखा के आता हूँ बीच का क्या हाल है। देखेंगे बीच की एंट्री यहाँ से है, एंड जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था इट्स ऑल वेट मडी बट बीच खुला है, इट्स एक्सेसिबल, यू कैन स्टिल गो। अब चलिए एक बार मैं चले जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा ड्रिजल कर रहा है सो मैं ज़्यादा गीला नहीं होना चाहता। एंड ऑल द रेस्टोरेंट्स आर ओपन, तो बीच रेस्टोरेंट्स सारे जो हैं वो सारे खुले हुए हैं, सो यू कुड गो देयर, हैव अ ग्रेट टाइम। और मैं छाता वाता लेके नहीं आया हूँ बट इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग अगेन, सो आई थिंक छाता लेके आता वुड हैव बीन मच बेटर। सो बीच का ये हाल है, इट्स हाई टाइड टुडे, हाई टाइड अगेन, सो पानी बहुत आगे तक है। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, जो हम लास्ट से आए थे, इट्स स्टिल अ लॉट ऑफ हाई टाइड हियर। तो जैसे आपने देखा दिस इज हाई टाइड हियर बट बीच इज एक्सेसिबल, और आप बीच पे आ सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय द वाटर वेरी वेरी क्लोज बाय। चलिए अभी मैं वापस जा रहा हूँ, धीमे धीमे बारिश शुरू हो गई है एंड आई हैवंट गॉट माय अम्ब्रेला, सो नीड टू वॉक केयरफुली। और थैंकफुली बारिश तेज़ नहीं हुई और मैं पहुँच जाऊँगा आराम से। सो यू हैव लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स हियर, तो आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं उनके वाटर फेसिंग सी फेसिंग टेबल्स पे एंड यू कैन एन्जॉय द सी। और सो अरे आप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो सो अच्छा रहा बिल्कुल भीगे नहीं यार। नहीं भाग के आ गया बट लास्ट टाइम जितना पानी आगे था उससे भी ज़्यादा आगे था आज पानी। तुमने जंप किया? नहीं नॉट टुडे। सो अंजुना बीच इज ओपन, सारे बीचेस खुले हैं, आप आ सकते हैं, रेस्टोरेंट्स आर ओपन। सो टाइम टू हेड बैक, अब चलते हैं आगे। मुझे ना ऐसे मौसम में अब चाय कॉफ़ी तो बनती है सैंडी, क्या बोलते हो आप? चाय विद पकोड़े दिल्ली स्टाइल। हाँ जी, आप खाते थे दिल्ली में गर्मा गर्म चाय पकोड़े? बारिश हो और चाय तो पकोड़े ना बने, चाय पकोड़े ना हो ऐसा हो सकता है। लेकिन फनी बात बताऊँ, मैंने चाय पकोड़े इतना सुना है, मुझे आज तक पता नहीं है पकोड़े होते क्या है, क्या होते हैं पकोड़े। सैंडी नया रेस्टोरेंट खुला यहाँ पे है ना, सैंडी का रेस्टोरेंट, सैंडीज कैफे। सारांश के रेस्टोरेंट को बदल के आपने सैंडी का रेस्टोरेंट बनाया? जी जी, ये आइए सैंडी के रेस्टोरेंट, आप क्या क्या खिला रहे हो सैंडी? सारांश मेरी फ्रेंड का बेटा है। अच्छा वाह, सो ये हमारा ही हुआ, आपका ही हुआ। हाँ। बिल्कुल हॉट एंड यमी मैगी इन 2 मिनट्स, बट हम लोग यहाँ पे सर्टेनली चाय और पकौड़े जरूर खाएंगे इस बारिश में। सैंडी आप किसको ढूंढ रहे हो? नहीं मैं कुछ खो, ऐसा लग रहा मेरा कुछ खो गया है। काम करो, मैं तुमको एक चैलेंज दे रहा हूँ, वहाँ तक मैं भागने नहीं वाली, पॉइंट तक जाके आओ। मैं नहीं भागने क्यों? वाली, मैं क्यों भागूंगी? ये मेरा कार्डियो टाइम था 6 AM। अच्छा, तो उठे नहीं 6 AM, अभी तो ऐसा 6 PM हो जाएगा। नहीं नहीं, रोशनी तो ऐसे 6 AM वाली है। हाँ यार ये बात है, मोस्टली लोग पारा जाते हैं पिक्चर्स खिंचाने, बट यू नो व्हाट, ये लेन भी बहुत ही प्यारी और मोस्टली खाली रहती है, सो मे बी यू शुड चेक इट आउट फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स एंड मे बी सम वीडियोस। ऑलराइट, तो ये वाली जो लेन है वो है अंजुना में, आप बस यहाँ पे जाते हैं तो बीच का रास्ता आता है, तो बीच से जैसे आप निकलते हैं राइट की तरफ मुड़ जाइए एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लेन, स्पेशली आज तो बहुत खाली है सो हम लोग यहाँ पे आराम से शूट कर सकते हैं, लाइक वी ओन दिस लेन। हमने सबको बोला है हम थोड़ी देर शूट कर रहे हैं, यहाँ से कोई ना है, या तो आप सीधा लेके यू टर्न मार के जाइए या वहीं से निकल जाइए। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। यहाँ पे है कर्लीज और काफ़ी सारी जगहें आगे हैं बट मैं आगे नहीं जा रहा क्योंकि रास्ता ये बहुत ही नैरो सा है और प्लस मुझे लग रहा है बारिश में बहुत ख़राब भी हो सकता है, आगे हो टूटा फूटा हो तो मैं अपने कार के साथ रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, बट देर आर गुड प्लेसेस हियर, ऊपर आप जा सकते हो। और ये अभी आपको दिखाता हूँ आगे कितने नैरो लेन हैं। ओ थैंकफुली मेरा यूटर्न हो गया, मैं सोच रहा था यूटर्न कहाँ से लूँ बिकॉज वही नैरो लेन, बट पेड़ों के बीच से यूटर्न मिल गया, सो नाउ लेट्स गो। आप देखिए कितना नैरो सा लेन है और आगे एक दो जगह ना और भी नैरो हो जाता है, सो अगर 2 कारें आमने सामने हो तो एक को पीछे जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे है वो जगह, देखिए जैसे बाइक भी आ गई, सो द बाइक वुड नीड टू स्टॉप, यस गुड जॉब, रुक के अच्छा किया। व्हाट इज दिस, इज दिस अ रेस्टोरेंट?
तो यहाँ पे लिखा था, मैं कभी यहाँ पे एक्चुअली आया नहीं, लेकिन यहाँ पे आगे बोर्ड था वे टू साउथ अंजुना बीच, राइट। ये देखिए आप, कर्लीस का यहाँ पे बोर्ड मारा हुआ है और यहाँ पे लिखा है वे टू साउथ अंजुना बीच। जी हाँ, तो साउथ अंजुना बीच अगर जाना चाहते हैं और कर्लीस जाना चाहते हैं, सो दैट्स द वे। देखिए हटेंगे नहीं। अरे आज तो थैंक यू यार, हमारे लिए हट गई। बोले आप हमारे यहाँ मेहमान हो तो आप क्या? ये आइए आइए आंटी, और हम आए शॉपिंग करने। चलिए कोको कर्व। सो व्हाट डू यू से? बताइए सैंडी, अभी क्या खरीदें? सैंडी को ये बहुत पसंद आई, मुझे भी बहुत पसंद आई। सबसे पहले मैंने देखा तो बोला यार दिस इज समथिंग न्यू। क्या बहुत बड़े हैं? डू यू फील अनकॉम्फी? बट दे लुक वेरी नाइस, वेरी क्यूट। एनी पॉसिबिलिटी? तो अभी आप देखें तो बारिश थोड़ी सी थम गई है, तो वो जो सैंडल्स थे, चप्पल से जोड़े, यू कॉल देम, बहुत प्यारे थे। आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट। तो लोग साइज चेक करें, अगर मिल जाए यू वुड बाय 3 or 4 ऑफ दोस। उधर से चलते हैं, पीछे से नहीं, इधर इधर से आ जाओ, इधर से। हाँ, आपको ट्रैफिक रूल्स याद है? हाँ जी, लुक टुवर्ड्स लेफ्ट एंड लुक टुवर्ड्स राइट एंड देन लेफ्ट एंड देन कीप वॉकिंग। वाह, सो आपने वॉकिंग क्रॉस करने का नया रूल सिखाया। हेलो, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? कैसे हो? साउथ गोवा प्लान कैंसिल। साउथ गोवा प्लान कैंसिल, सो रेंट। और तो काफी लोगों ने कमेंट्स में ये पूछा था कि क्या अभी बाइक रेंट करके चला सकते हैं। सो ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद बाइक। मैं इनसे ही पूछता हूं, क्या अभी इस इतने बारिश में इज इट इजी टू राइड द बाइक्स? नो नो, इट्स अ लिटिल बिट वेरी हार्ड टू राइड बिकॉज़ रेन्स आर कमिंग सो हैवी। Because of that, rains are coming into your eyes directly. Oh. So it's very hard to drive. Right. Otherwise, you need to have a big helmet. Yeah. तो अगर आप सोच रहे हैं ऐसे मौसम में बारिश में bikes rent करने का, be careful. It's not safe and it's going to be difficult to ride bikes. Last block में भी देख लिया होगा आप लोग ने। Yes. तो कैसा था उधर? वो तो मैं डर रहा मैं भी देख रहा था ब्लॉग से, तो मैं भी डर रहा था वो लोग कैसे जा रहा था। So, वेरी वेरी डिफिकल्ट। आज थोड़ा सा बेटर है लेकिन फिर भी रेड अलर्ट पे गोवा। सो प्लान योर ट्रिप्स केयरफुली। हमेशा की तरह मैं पीऊँगा कॉफ़ी यहाँ पे, वन ऑफ द बेस्ट कॉफीज इन गोवा, प्योर एट गोसो। यो, आप क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे थे? नहीं बोलो बोलो। नहीं नहीं, मन में कुछ बोल रहे थे। यो, अरे नहीं, मैं कहती गोसो गोसो, उस पे एक जिंगल बन रहा था। अरे वाह, आपने बोला ना बेस्ट कैफे, जो भी आपने लाइन बोला इन गोवा गोसो। तो व्हेन यू सेड गोसो आई सेड गोसो गोसो। यो, आई फॉरगॉट, एलेक्स है ना वो ओनर का नाम? हाँ, एलेक्स को बोलते हैं पैसा दो। सैंडी एक जिंगल बना रही है। तो ऑलराइट, सो अभी हम अंदर बैठे हैं, बनाए थे ना, जाके बाहर बैठते हैं। हाय जॉन, हाउ आर यू? कैसे हो? सो मौसम में, ऐसे मौसम में लोगों को आना चाहिए गोवा? बेस्ट बेस्ट फैमिली के लिए पार्टीज के लिए नहीं। तो नो द टाइम, तो मार्सल ने बोला अभी मत आइए, जॉन बोल रहे हैं आ जाइए, इट्स अ गुड टाइम। तो आपके ऊपर है, आपको जो करना है, व्हाटएवर यू फील इज राइट फॉर यू, यू आर द वन हु विल डिसाइड। चलिए अभी हम जाते हैं, आई थिंक बाहर बैठते हैं, शाम का मौसम है, प्यारा प्यारा मौसम है, बहुत से सैंडी। ऑलराइडी, सो अभी हम बैठे हैं बाहर। ये नहीं नहीं, कोई नहीं, और आपको क्या लगता है, लोगों को अभी आना चाहिए गोवा? रेड अलर्ट चल रहा है, नहीं आना चाहिए। तो आपने देखा मार्सल और रीना ने बोला नहीं आना चाहिए, जॉन बोलते हैं आओ फैमिली को लेके आओ। तो अभी आपके ऊपर है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। बोल रहा था देखिए अभी बारिश भी बंद हो गई है, वैसे खैर काफ़ी आधे घंटे से बारिश भी बंद है, सो इट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, बट आज का मौसम इट्स मच बेटर एंड प्लेसेज आर ओपन। बारिश वापस शुरू हो गई, जब हम निकलते हैं बारिश बोलती है भाई तुम शूट करो आराम से, हम तुमको कोई टेंशन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वापस घमासान शुरू हो गई। अभी बारिश कुछ देर से फिर से शुरू हो गई, ऑलमोस्ट हम घर पहुंचने वाले हैं। सो ऐसा वाला हाल है। बीच में जब हम निकले, डेढ़ घंटे का ब्रेक लिया था, बारिश ने भी बोला लेट दीज गाइज शूट एंड देन आई विल कम बैक। और अभी गोवा की हर एक शॉप में ये चीज़ हो गई है कि जो सैंडी एंड करण का छाता है वैसा ही छाता हर स्टोर में हमने रखवा दिया है। तो आप आके यहाँ पे सैंडी एंड करण का छाता खरीद सकते हैं। द बिग कलरफुल अम्ब्रेला इज़ अवेलेबल ऑल अक्रॉस गोवा।
ओवन, अगर आप गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपको किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में जानना हो, यू वांट टू नो अबाउट अ सर्टेन बीच, लेट अस नो. हम अभी कुछ दिन गोवा में, आई कैन फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन फॉर यू एंड लेट यू नो, सो आपका ट्रिप अच्छा हो. देखिए गोवा के गायें ये करती हैं रास्तों को रूल. ऑन दैट नोट आई विल सी यू गाइस टुमारो.